this is me, Shilpa Verma, journalist from KTL News, welcoming you all to the closing ceremony of this event, that is 25th Ramjas Basketball Champions League 2019 All India. This prestigious event is organized by Ramjas School Arkepuram and is played amongst the best school of this country. Now we have with us international shooter Deepak Kumar ji, jo ki Olympic quota holder bhi hain. Sir, welcome to K12 News. Humse baat karne ke liye thank you. Sir, aap khud Air Force mein hain aur sports mein involved hain. Sir, ye bataiye bachchon ke liye sports kaise important hai academics ke alawa? देखिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जैसा कि हम कह सकते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, और किसी भी फील्ड में हमें आगे बढ़ने के लिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है. तो स्पोर्ट्स महकमे से हूं तो यही कहना चाहूँगा कि अब जो उनके माता पिता हैं बच्चों के, वो अपने बच्चों को खेल की जो उनकी भावना है उसको पनपने में कहीं अड़चन ना बने, सो दैट वो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन ना भी बन पाए, एक नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे भारत का प्रतिनिधित्व कर पाए या ना कर पाए, बट एटलीस्ट आपको एक स्वस्थ नागरिक भारत का ज़रूर मिलेगा. और आपसे कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने में उनका योगदान दीजिए, सो दैट वो अपना तो नाम रोशन करेंगे ही करेंगे, साथ में अपने माता पिता का भी नाम रोशन करेंगे. मैं छोटा था तो मेरा एक सपना था कि मैं आज की डेट में अपने पिता के नाम से पहचाना जाता हूँ, बट दिमाग में ये आता था कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ अपने पिता के लिए कि उनका नाम मेरे नाम से पहचाना जाए. तो सन 2018 में मैंने वो काम करके दिखाया कि आज की डेट में मेरे फादर का नाम मेरे नाम से पहचाना जाता है, कि वो देखिए दीपक कुमार के पिताजी जा रहे हैं जिनके बेटे ने एशियन गेम्स में मेडल लिया, और आज की डेट में मैं ओलंपिक कोटा लेकर के आया हूं, तो उनको बड़ा फील प्राउड होता है. तो सपना यही है उनको भी कि अपने बच्चों को खुलने का मौका दीजिए, उनकी जो महत्वाकांक्षा है उनको पूरा करने में अपना पूर्ण योगदान दीजिए. थैंक यू सर. सर, बच्चों के लिए भी कुछ मोटिवेशनल बोलिए, क्योंकि मैं आपका स्पीच सुन रही थी, बहुत ही अच्छे ओरेटर हैं सर, तो सर प्लीज दो शब्द उनके लिए भी, बच्चों के लिए भी. देखिए, हमेशा जीवन में मोटिवेट रहिए, जीवन में बड़े सारे उतार चढ़ाव आएंगे, उन उतार चढ़ाव के पीछे अपने जीवन को निरर्थक बना करके खराब मत कीजिए. आपको अगर बढ़ना है आगे तो इन समस्याओं से ऊपर उठना पड़ेगा, और न्यूटन के थर्ड लॉ को हमेशा याद रखिए कि जितना मुझे नीचे गिराने की कोशिश करोगे मैं उतना ऊपर उठने की कोशिश में रहूँगा. और समस्याएं जीवन में आती रहेंगी, जाती रहेंगी, बिकॉज उनका काम ही है ना, एक अच्छा खिलाड़ी, एक अच्छा व्यक्ति उन समस्याओं को समझ के सुचारू रूप से उनको हटाता है, ना कि उनमें इन्वॉल्व होकर के अपना जीवन खराब करता है. एक हुक सी दिल में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है, एक हुक सी दिल में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है, हम रातों को उठकर रोते हैं जब सारा आलम सोता है. तो इस मनोधारणा से हम अपने कार्य को करने में अग्रसर रहें, समस्याओं को आने दीजिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहिए, और जीवन में पागलपन की हदों को पार कीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से जो जिस दिन आपको पागलपन की एक उपाधि प्राप्त हो गई तो समझ लीजिए कि उन्नति के रास्ते आपके खुले हुए हैं. इन बिगड़े दिमागों में खुशियों के लच्छे हैं, इन बिगड़े दिमागों में खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं. अगर इस पागलपन से भारत का एक ओलंपिक गोल्ड आता है तो मैं कहना चाहूँगा जो मेरे को सुन रहे हैं वो उनके माता पिता बोलेंगे कि हमारा बच्चा भी पागलपन के उस हद को पार करेगा, और वो बच्चा भी ये बोलेगा कि मुझे पागल बनना है. तो पागलपन के हद को बढ़ाते जाइए और ओलंपिक में मेडल लेके आते जाइए. दुनिया कहने दो पागल है तो पागल ही रहने से हमें अच्छा रहेगा, और इसी क्रम में चलते रहने दीजिए, क्योंकि जीवन इतना अच्छा मिला है. एटलीस्ट मेरी जो बायोग्राफी है कॉमनवेल्थ में, वहाँ पर लिखा गया है कि आप किससे मोटिवेट होते हो. तो मैं जब छोटा था तो ये सोचता था कि मैं तो सही सलामत इंसान हूँ, मेरे पास चारों हाथ पैर सलामत है, मेरी शरीर में कोई इंजरी नहीं है, बट मैं उन बंदों को देखता था जो कि पैरा एथलीट हैं, उनको देख करके बड़ा मोटिवेशन फील होता था कि वो इस स्थिति में है कि वो अपना सामान तक नहीं उठा सकते, पर फिर भी भारत के लिए ओलंपिक में मेडल लाने के लिए अपने इच्छा शक्ति को बढ़ाने में लगे हुए हैं. तो मैं उनसे इंस्पायर होकर के अपने आप को मोटिवेट करता था कि जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता.
सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बात करने के लिए, और मुझे पूरा यकीन है यहाँ पर जो बच्चे जग गए थे ना, वैसे बाकी बच्चे भी इसको सुन के जरूर जग जाएंगे और मोटिवेट होंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच वॉचिंग K12 न्यूज, एंड टू नो मोर अबाउट 25th रामजस बास्केटबॉल चैंपियंस लीग 2019 ऑल इंडिया, लॉग इन टू www.k12news.net। फिर मिलेंगे अगले इवेंट पे। थैंक यू सो मच।